Abdul Hamid. He was born on July 1st, 1933. एक छोटे से गांव में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ. At the age of 32, he lost his life in a battle which was fought against Pakistan. At the age of 32, he was martyred. अब्दुल हमीद जो है ना एक पूर फैमिली से बिलोंग करते थे. उनके वाले साहब एक टेलर थे, दर्जी थे, और अब्दुल हमीद यूज्ड टू हेल्प हिम इन हिज डे टू डे वर्क. सो अलाप सदर इन द ईयर 1956 ही वाज अपॉइंटेड एज एन हवालदार इन द ग्रेनेडियर्स बटालियन एंड ही वाज अपॉइंटेड एज क्वार्टर मास्टर हवालदार. तो जब चाइना से बाहर निकले हुआ था तो ही वाज पोस्टेड इन द खेमका बॉर्डर विच वाज इन पंजाब. स्टिल इट्स इन पंजाब, इट्स अ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. तो 1965 7 सितंबर को वहां पे पाकिस्तान का हमला हुआ उनके चेक पोस्ट पे. So at that time he was martyred. Second thing, Abdul Hamid, ये एक बहुत अच्छे शूटर थे. जब ये आर्मी में थे, when he was in army, he has been awarded with the best shooter. तो जब हमारे पास में 1965 में एक 106 mm के राइफल जो जीप में तोप के जैसी राइफल रखी हुई रहती, उसके वो बहुत अच्छे शूटर थे. So then on 10 September 1965, the Pakistan hamla kiya tha Khemka post pe, to wahan pe ye tainat the as a hawaldar. Aur ye bahut hi acche shooter the. Pakistan ke 9 tanks and from various directions wo log bombing shuru kare. So then Abdul Hamid wahan pe baithe hue the apne sirf chand saathiyon ke saath. तो हुआ ऐसा कि पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स का मतलब है कि वो जो बुलडोजर टाइप टैंक्स जो रहते जो ऑटोमेटिक हाईली बॉम्ब शेलिंग करते हैं वो टैंक से वो लोग हमला किए. तो अब्दुल हमीद व्हाट ही हैज डन एक्चुअली, इसकी तो एक जीप थी 106 एमएम राइफल की जो जीप में रखी हुई रहती. तो वेरियस डायरेक्शन से उन पे हमला किया जा रहा था पोस्ट पे. अब्दुल हमीद अपनी जीप 10 मिनट वो डायरेक्शन से और 10 मिनट इस डायरेक्शन से 10 मिनट उस डायरेक्शन से बॉम्बिंग करते रहे पैटर्न टैंक्स पे. पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स पे वो लोग जो है ना अब्दुल हमीद वेरियस डायरेक्शन से हमला कर रहे थे. सेकंड थिंग, जब वेरियस डायरेक्शन से अब्दुल हमीद सिर्फ अकेले जीप में इधर उधर करके हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान ये समझ गए कि आगे बहुत बड़ी फोर्स तैयारी हुई है. तो ऐसे अब्दुल हमीद ने 5 टैंक्स को तबाह कर दिया अपने सिर्फ 106 एमएम के राइफल जो होती है उससे. तो देन लास्ट पे जब 9th टैंक की बारी आई तो अब्दुल हमीद शहीद हो गए. उनके ऊपर हेवी बॉम्बिंग हुई तो जिसमें उनकी डेथ हो गई. तो अब्दुल हमीद साहब की डेथ हो गई तो उनको परमवीर चक्र का एहसास दिया गया जो कि इंडियन आर्मी का बहुत प्रेस्टिजियस मेडल है. कल 1st जुलाई उनका बर्थडे. तो इसी सिलसिले में हम लोग आप लोगों के लिए अवेयरनेस करने के लिए सोचे कि इंडियन आर्मी में हम मुस्लिम जितने भी मुस्लिम मार्टियर्स हैं जो लॉस्ट देयर लाइफ इन द बैटल फील्ड उनके बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो. देन अब्दुल हमीद परमवीर चक्र अवार्ड मिलने के बाद में उनके यानी उनका एक मेमोरियल पैलेस बनाया गया जहाँ पे एवरी ईयर मेला भी लगता है और कई स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, कई लोग वहाँ पे जाते हैं और उनकी सालाना जुलूस वगैरह मेला भी लगता है वहाँ पे. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके नाम पे एक पोस्टल स्टैम्प भी इश्यू किए 2000 में और उनके नाम पे कई अवार्ड्स भी दिए जाते हैं बच्चों को और कई आर्मी मेंस को उनको और कई अवार्ड्स मिले उनके उनकी डेथ के बाद में.
So regarding मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप लोग एक छोटा सा उनके बारे में उनके हिस्ट्री के बारे में एक मूवी देखें फिर then we continue with our session. Thank you. Paramvir Chakra. Very good, very good, very good. Yeah. Yes, sit down, boys. Paramvir Chakra Abdul Hamid ki death kis country ke army se ladte hue hai? Can you reach here? The India and Pakistan war commenced in which he lost his life. Sir, can you reach here? I don't want the day when my name is now, we are going to conclude this session. I would like to request you all to please ek do minute ke liye ek minute ke liye Paramvir Chakra Abdul Hamid ji ki yaad mein hum log ko yaad pay homage to them. 2 minute please attention please and maintain silence. Then uske baad mein hum log jai hind karke and we conclude this session. Okay, yes sir. Come on, attention sab log. Come on, 1 minute ka maun rakhenge aap log. Students, with a loud voice, say Jai Hind. Jai!